हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। एंड आज हम लोग बात करने वाले ओनली महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। एंड ये देख रहे हैं आप स्कॉर्पियो का S11 टॉप मॉडल। एंड टोटल आपको ये पांच वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है, जिसमें S3+, S5, S7, S9, S11 टॉप मॉडल जो कि आप इसका देख रहे हैं। सो फ्रंट प्रोफाइल देखें, काफ़ी आपको मस्कुलर मिल जाता है एंड अपने सेगमेंट की फेमस SUV कार है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। सो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इस तरह आपको साइड प्रोफाइल मिल जाती है। एंड टॉप मॉडल में आपको एलॉयस और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, बिकॉज इसके ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता है इसका स्कॉर्पियो का। सो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें मिलता है। एंड इस तरह आपको की दी जाती है, दो कीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, एक आपको नॉर्मल की मिलती है जैसा कि ये आप देख रहे हैं, दूसरी आपको ये फ्लिप की मिल जाती है, इसमें लॉक अनलॉक के ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे। सो ये इसकी साइड प्रोफाइल। तो अभी हम लोग देखेंगे फ्रंट से और क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रंट लुक्स जब देखेंगे, काफ़ी आपको वाइल्ड मिल जाते हैं एंड काफ़ी मस्कुलर आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल मिलती है। एंड आपको टोटल इसमें 4 कलर ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें ब्लैक, वाइट, सिल्वर एंड रेड आपको कलर अवेलेबल हो जाते हैं, जो भी आप लेना चाहें। तो फ्रंट से देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको पूरा क्रोम ट्रीटमेंट में इसकी ग्रिल मिल जाती है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। एंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको DRL डे टाइम रनिंग लाइट, एंड उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। एंड DRL आपको इसी के ऊपर मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प दिए जाते हैं, जो कि क्रोम फिनिश के साथ आते हैं पूरे। सो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है, काफ़ी बल्की मस्कुलर। सो ये है इसके फ्रंट लुक्स। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसको काफ़ी स्पोर्टी लुक मिल जाता है। यहाँ पे एयर वेंटिलेशन बोनेट पे मिल जाता है, यहाँ पे वॉशर, देन दोनों वाइपर, ऊपर आपको एंटीना एंड रूफ रेल देखने को मिल जाती है। सो काफ़ी आपको अट्रैक्टिव इसके मिलते हैं फ्रंट लुक्स। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सेफ्टी गार्ड लगा हुआ मिल जाता है, स्किड प्लेट टाइप का सिल्वर फिनिश में। एंड 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो में। सो ये थे इसके फ्रंट लुक्स। सो अभी हम लोग देखेंगे इसकी साइड प्रोफाइल। तो इस तरह आपको इसकी मस्कुलर साइड प्रोफाइल मिल जाती है। बात करें अगर इसकी लेंथ की, तो 4456 mm की लेंथ मिल जाती है एंड 1995 mm की हाइट, 1820 mm की विड्थ मिल जाएगी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो की। एंड यहाँ पे बात करें अगर इसके व्हील्स की, तो आपको 17 इंचेस के अलॉयस मिल जाते हैं, यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग, एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर आपको ड्रम व्हील मिलते हैं। और बात करें अगर हम लोग इसके टायर प्रोफाइल की, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका टायर सेक्शन। सो 235/65R17 इंचेस के आपको अलॉयस मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ग्राफिक्स टाइप का मिल जाता है, और ये आपको बॉडी कलर में इसके ORBMs दिए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी इसी में मिल जाएगी एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होंगे। सो ये इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल। एंड और देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ इसमें। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। नीचे फुटरेस्ट मिल जाते हैं, चढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो अंदर एक झलक दिखाते हैं इंटीरियर की, इस तरह आपको डोर मिल जाती है एंड इस तरह आपको पूरा आगे का फ्रंट डैशबोर्ड मिलेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम देखने में लगता है। सो अभी बाद में इसको पूरा कवर करेंगे, तो इसको क्लोज कर देते हैं एंड और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो रियर व्हील ये देख सकते हैं, ड्रम आपको मिलता है, 2680 mm का इनका व्हील बेस मिल जाता है। और इधर भी आपको फ्यूल कैप मिल जाता है एंड लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड मिलता है। एक साइड आप डीजल भरा सकते हैं, इस साइड आप डीजल एग्जॉस्ट, यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती हैं। सो ये है इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल। अभी चलते हैं हम लोग बैक प्रोफाइल में, देखते हैं बैक प्रोफाइल कैसी क्या है। सो काफ़ी अट्रैक्टिव आप देख सकते हैं, वाइल्ड आपको इसकी बैक प्रोफाइल मिल जाती है एंड रोड प्रेजेंट इसका काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की पसंदीदा SUV कार है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। सो देख सकते हैं आप इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल। सो साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, देख सकते हैं एक परफेक्ट आपको लेंथ मिल जाती है इस गाड़ी की। एंड लुक्स इसके जो है काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव मिल जाते हैं आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के। सो सबसे पहले देखेंगे बैक में, तो यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है एंड सिल्वर फिनिश आपको पूरी मिलती है, सॉरी क्रोम फिनिश पूरी मिलती है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट जस्ट लोगो के नीचे आपको मिल जाती है, ये यहाँ पर। एंड और यहाँ पर देखेंगे तो रियर वाइपर, देन डीप फॉगर, ऊपर LED, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एंड यहाँ पे देखेंगे तो वॉशर, देन इंटीग्रेटेड स्पॉयलर काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है। और अभी देखते हैं अंदर आपको कैसा क्या इसका बूट स्पेस। सो इस तरह आपको बूट डोर ओपन होने के बाद दिखेगी, दो आपको इसमें स्पीकर मिल जाते हैं, डोर हैंडल मिल जाता है इस वाली डोर में, एंड ये दो सीट मिलती हैं इस तरह। सो फोल्ड भी हो जाएंगी, अगर फोल्ड कर देते तो आपको इसमें 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ भी आपको चढ़ने के लिए बढ़िया सा मिल जाता है। सो बैठते हैं, देखते हैं कैसा क्या है कंफर्ट। सो 6 फीट मेरी हाइट होगी, तो मैं इस तरह बैठा हूँ, देख सकते हैं दो लोग बैठ जाएंगे आराम से पीछे वाली सीट पर। एंड अंदर इस तरह पूरा इसका कैबिन दिखता है,
तो ये है इसका बूट स्पेस। यहाँ से भी आपने फ्यूल कैप खोल सकते हैं, यहाँ हैंडल भी मिल जाता है। एंड ये वाला मिरर आप थोड़ा सा खुल जाता है जिससे हवा वगैरह पास होगी, सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। इधर वाला भी ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ही खुलता है। सो ये वो थी इसकी सेटिंग अरेंजमेंट। तो अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसकी बैक प्रोफाइल में। यहाँ पे देखेंगे इसकी LED टेल लैंप मिल जाती है, एंड स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको। एंड काफ़ी बढ़िया सी आपको ये LED टेल लैंप दिए जाते हैं इसके। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर और दो पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं आपको इसके बम्पर में। यहाँ एक इधर दो रिफ्लेक्टर, दो पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे आपको ये ब्रांडिंग मिल जाती है माइक्रो हाइब्रिड की। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे स्कॉर्पियो S11 की ब्रांडिंग मिल जाती है बैचिंग, बिकॉज ये टॉप मॉडल है तो S11 की आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगी। सो ये थी इसकी प्रॉपर बैक प्रोफाइल। एंड अभी हम लोग चलेंगे अब इसके इंटीरियर में, देखेंगे और क्या क्या दिया हुआ है। सो डोर ओपन हो चुकी है, एंड डैशबोर्ड देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाता है। एंड डोर में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर ओपनर, नीचे मैगजीन वगैरह रख सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे स्पीकर, और इस तरह आपको कुछ सीट मिल जाती हैं। साइड में आपको लेदर फिनिश एंड बीच में आपको फैब्रिक देखने को मिलेगी। हाई पे हाइट एडजस्टेबल सीट रिक्लाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे सीट में। सो अभी की को लगाते हैं और देखते हैं कैसा क्या है इसका फ्रंट डैशबोर्ड एंड आगे का इंटीरियर फीचर्स वगैरह। तो इस तरह आपको मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसके ग्राफिक्स आपको दिखेंगे। एंड बात करें अगर लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर आपको मिल जाता है RPM मीटर, यहाँ पे बीच में स्क्रीन, एंड इधर स्पीडोमीटर, काफ़ी सारी चेक लाइट्स एंड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बात करें अगर इसके स्टेयरिंग की, तो काफ़ी बढ़िया आपको स्टेयरिंग मिल जाती है इसकी। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, इधर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, कॉल्स, ब्लूटूथ वगैरह के, यहाँ पे पूरी सिल्वर फिनिश, इधर आपको वॉइस कमांड एंड क्रूज कंट्रोल्स मिल जाएंगे राइट साइड। सो ये इसका प्रॉपर सेंटर कंसोल, काफ़ी बढ़िया आपको सेंटर कंसोल दिया जाता है। एंड इधर ये लेफ्ट में AC वेंट देख सकते हैं, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्या और दिया हुआ है। तो इधर देखेंगे वाइपर के कंट्रोल, इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड तो इधर देखेंगे तो आपको यहाँ से आप अपने फ्यूल लीड को ओपन कर सकते हैं जब फ्यूल फिल कराना हो। एंड डिफॉगर का स्विच मिल जाता है, एंड AC वेंट्स के डिज़ाइन तो आप देख ही चुके हैं। सो ये था पूरा आगे का डैशबोर्ड। एंड यहाँ सेंटर कंसोल की बात करें तो AC वेंट्स के डिज़ाइन आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया ये डैशबोर्ड। एंड बोनट देखेंगे तो पूरा विजिबल होगा, आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। और सेंटर कंसोल में बात करें टच इंफोटेनमेंट की, तो आपको 7 इंचेस का दिया जाता है, ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सब सपोर्टेड होगा, USB ऑक्स वगैरह। सो काफ़ी बढ़िया आपको इसका टच रिस्पॉन्स मिल जाता है, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, जैसे कि आपकी गाड़ी भी कितना चल जाएगी, कितना फ्यूल वगैरह है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। एंड ड्राइव करते समय भी आप इसका रिवर्स कैमरा ऑन कर सकते हैं। सो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे भी सिस्टम आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC, यहाँ पर कॉल्स वगैरह के कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉल्यूम वगैरह के, और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आ रही है अभी स्कॉर्पियो। एंड ये हैंड ब्रेक इसकी, यहाँ पे कुछ स्पेस, ये दो ग्लास होल्डर्स, फ्रंट डैशबोर्ड, इतना कुछ क्लब बॉक्स में स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, लेफ्ट वाली डोर, ऊपर आएंगे तो ग्रैब हैंडल, इधर वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको, सनग्लास होल्डर ये यहाँ पे आई थिंक माइक दिया हुआ है। और इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड, यहाँ पे रीडिंग लैंप, और ये पीछे का कुछ इस तरह दिखेगा पूरा कैबिन। सो ये थे आगे का फ्रंट डैशबोर्ड एंड इंटीरियर, काफ़ी बढ़िया आपको प्रीमियम देखने में मिलता है, एंड विजिबिलिटी आपको बढ़िया मिल जाती है, तो कार को ड्राइव करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सस्पेंशन आपको एक नंबर मिल जाता है,
तो अपने सेगमेंट की फेमस कार है ऑनली महिंद्रा स्कॉर्पियो। सो अभी हम लोग चलेंगे सेकेंड रो में, देखते हैं कैसे क्या कंफर्ट है। सो इसको क्लोज कर देते हैं इस तरह। आपको कुछ डोर मिल जाती है सेकेंड रो वाली, पावर विंडो का कंट्रोल, डोर हैंडल, डोर ओपनर, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, नीचे बॉटल होल्डर। सो अब बैठते हैं अंदर, देखते हैं कैसा क्या है कंफर्ट इसका। सो बैठने के बाद इस तरह कुछ फ्रंट डैशबोर्ड दिखता है, काफ़ी बढ़िया सा। एंड नीचे की साइड आएंगे तो रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एंड उसके बाद दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और नीचे यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एंड पूरी सीट पीछे, उसके बाद भी आपको इतना कुछ लेग स्पेस मिल जाता है। एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिलता है, जो लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। इधर ग्रैप हैंडल, लेफ्ट वाली डोर, ये एडजस्टेबल आपको इसके हेडरेस्ट दिए जाते हैं चारों। इधर भी ग्रैप हैंडल, यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। ये इधर थर्ड रो वाली सेटिंग अरेंजमेंट, इधर भी एक आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाएगी। सो ये है अंदर इसका पूरा कैबिन एंड इंटीरियर ऑनली महिंद्रा स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल का S11। सो काफ़ी बढ़िया है अपने सेगमेंट की, जब आप इस पर बैठते हैं तो काफ़ी कंफर्ट लेवल आपको इसमें पता चलेगा। जब लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। सो इसको क्लोज़ कर देते हैं। एंड आपको इसमें 60 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 60 लीटर आप इसमें फ्यूल फिल करा सकते हैं। एंड और बात करें अगर इसके वारंटी की, तो महिंद्रा आपको इसमें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराता है ऑनली महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ। एक इधर भी देख सकते मिल जाता है फ्यूल कैप, और एक इधर भी, इधर से आप डीज़ल भराते हैं, उधर से डीज़ल नहीं फिल कराया जाता है। तो 16 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी इसकी, 60 लीटर। ऊपर देखेंगे तो रूफ़ रेल्स वगैरह सब कुछ लगी मिल जाती है यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग। सो फुल्ली फीचर लोडेड है। और यहाँ पे देखेंगे तो एमहॉक का इंजन मिलता है, सो यहाँ पे एमहॉक की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड ये D140 जो देख रहे हैं, तो इसमें ये 140 BHP की पावर मिलती है, एंड 320 NM का टॉर्क मिल जाता है ऑनली महिंद्रा स्कॉर्पियो के जो 2200 CC का इंजन है उसमें। सो समथिंग 14 KMPL का माइलेज आपको मिल जाएगा महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ। एंड अभी बात करें अगर इसके फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट डिवाइस, चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड TPM जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अभी बात करें अगर इस वेरिएंट के प्राइस की, तो 17,47,000 एक्स शोरूम एंड 20,36,000 ऑन रोड आपको पड़ जाती है लखनऊ में ऑनली महिंद्रा स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।